नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री की अनिल शर्मा को नसीहत, जितना चुप रहेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। हिमाचल में कल से और चढ़ेगा सियासी पारा, चुनाव अधिसूचना के साथ शुरू होगी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया। सतपाल सत्ती कल से कर सकेंगे चुनाव प्रचार, सुबह 10 बजे हट जाएगा प्रतिबंध। जनता के लिए खुले रोहतांग टनल के द्वार, पहले दिन 510 लोग हुए आर पार। चचोट के पूर्व विधायक पंडित शिवलाल का निधन, आईजीएमसी में ली अंतिम सांस। अंब में 7 झुगियां राख, 15,000 की नकदी सहित बाइक भी जली। और एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हिमाचली बॉक्सर आशीष, प्री क्वार्टर फाइनल में चीन को दी मात। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर अनिल शर्मा को चेताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अनिल शर्मा जितना चुप रहेंगे उतने ही सुखी रहेंगे, अगर मुंह खोला तो कई राज खुलेंगे। रविवार को ड्रंग के हरड़गलू स्टेडियम में महिला मोर्चा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस को परिवार के सिवाय कुछ नहीं दिखता, जबकि भाजपा के लिए देश ही सर्वोपरि है। भारत विश्व शक्ति की ओर अग्रसर है और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनावों में जनता ने चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाने की ठानी थी और इस बार चौकीदार को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। और चीख चीख करके क्या बोलता है चौकीदार के बारे में, किस प्रकार के शब्दों का चयन करता, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उस भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हम इतना ही उनको कहना चाहते हैं कि हम आपकी तरह बात करने वाले लोगों में से नहीं है, इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकले। हिमाचल में कल से सियासी पारा और चढ़ जाएगा, क्योंकि सोमवार को चुनाव अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो कि 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके बाद 30 अप्रैल को छंटनी होगी और फिर 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी तरह 7,723 पोलिंग बूथ्स पर 19 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें 50,96,869 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य बटन दबाएंगे। मंडी भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा 24, शिमला से सुरेश कश्यप 25 और कांगड़ा व हमीरपुर सीट से किशन कपूर व अनुराग ठाकुर 26 अप्रैल को पर्चा भरेंगे। इसी तरह शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल 23, मंडी से आश्रय शर्मा व हमीरपुर से रामलाल ठाकुर 25 और कांगड़ा से पवन काजल 29 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अभद्र भाषा के चलते आचार संहिता उल्लंघन की सजा भुगत रहे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती कल 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार सुबह 10 बजे से अगले 48 घंटे के लिए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाई थी, जो सोमवार सुबह पूरी हो जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले सत्ती ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। इसी के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग की एक कमेटी ने सत्ती के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। उधर शिक्षा मंत्री के ओएसडी मामराज पुनीत के जवाब को राज्य निर्वाचन विभाग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया है। इस पर सोमवार तक फैसला आने की उम्मीद है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार रविवार को लाहौल स्पीति के लोगों के लिए बीआरओ ने रोहतांग टनल के द्वार खोल दिए। चुनाव आयोग के आग्रह पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुरंग से लोगों को आने जाने की अनुमति दी। पहले चरण में 510 लोगों को टनल से आर पार करवाया गया। एचआरटीसी की 7 बसों से करीब 400 लोगों को जहां कुल्लू की तरफ रोहतांग टनल के समीप धुंधी पहुंचाया गया, वहीं लाहौल की तरफ से भी 110 लोगों को मनाली लाया गया। एचआरटीसी केलांग डिपो के आरएम मंगलचंद मनेपा ने बताया कि रविवार को 510 लोग टनल के आर पार हुए हैं। उपायुक्त अश्विनी कुमार चौधरी ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि आगामी समय में भी रोहतांग टनल से लोगों की आवाजाही जारी रहे, इस संबंध में बीआरओ से आग्रह किया जाएगा।
बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा वोट मेरी ताकत, मेरा वोट मेरी शक्ति, सही को चुनेंगे हम वोट जरूर देंगे। अगर आप भी मेरी तरह पहली बार वोट देने वाले हैं तो एनरोलमेंट के लिए नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर फॉर्म 6 ऑनलाइन भरें, देश के महात्योहार का हिस्सा बनें। अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें। जिला चुनाव अधिकारी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। चच्योट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित शिवलाल का रविवार को आईजीएमसी में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 8:55 पर अंतिम सांस ली। 80 वर्षीय शिवलाल अपने पीछे पत्नी पुरिंद्रा शर्मा व 3 बेटियों को छोड़ गए हैं। 5 दिन पहले दिल की बीमारी के चलते उन्हें आईजीएमसी शिमला में वेंटिलेटर पर रखा गया था। शुरू से ही राजनीति का जज्बा संजोए पंडित शिवलाल ने वर्ष 1966 में अध्यापक की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। वह लगातार 10 साल तक बासा के प्रधान और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1985 में वे चच्योट, जो कि वर्तमान में सराज विधानसभा क्षेत्र से जाना जाता है, से विधायक चुने गए। वर्ष 2007 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर चुनाव लड़ा, लेकिन 1500 मतों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर से हार गए। उनके निधन से मंडी जिला में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित तमाम नेताओं ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। ऊना के अम्ब में कलरूही खड्ड के किनारे रविवार दोपहर भयंकर अग्निकांड में 7 झुग्गियां जलकर राख हो गईं, साथ ही 15,000 की नकदी सहित एक बाइक व अन्य सामान भी जल गया। आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। हुआ यूं कि रविवार दोपहर 12 बजे एक झुग्गी में आग लग गई और देखते ही देखते साथ लगती अन्य झुग्गियों को भी चपेट में ले लिया। धुआं उठता देख पास में ही काम कर रहे प्रवासी मजदूर भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन आसमान छूती लपटों के आगे बेबस नजर आए। इसी बीच दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और 40 झुग्गियों को राख होने से बचा लिया। दमकल विभाग के प्रभारी लकी ने बताया कि अग्निकांड में 7 झुग्गियां राख हुई हैं। अम्ब क्षेत्र में आग की यह तीसरी बड़ी घटना है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में रविवार को ओलावृष्टि ने सेब व मटर की फसल तबाह कर दी। शिमला के कोटखाई, देवठी, नेरवा और चौपाल में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और आसमान से ओले गिरना शुरू हो गए, जिससे टमाटर, मटर और सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 24 और 25 अप्रैल को फिर से बारिश होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर तूफान भी चलेगा, जबकि मैदानी इलाकों में 27 अप्रैल तक धूप खिली रहेगी। रविवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम साफ बना रहा, लेकिन इसके बाद आसमान में काले बादल घिरने शुरू हो गए। इस दौरान शिमला में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, जबकि सिरमौर के चूड़धार में सफेद फाहों से मौसम में ठंडक आ गई। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब समाचार खेल जगत से। बैंकॉक में खेली जा रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिमाचली मुक्केबाज आशीष चौधरी पदक की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। वे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में आशीष ने चीन के बॉक्सर को हराया और अब 23 अप्रैल को उनका मुकाबला कजाकिस्तान के मुक्केबाज से होगा। 25 अप्रैल तक चलने वाली स्पर्धा में भाग लेने वाले आशीष चौधरी एकमात्र हिमाचली मुक्केबाज हैं। हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने बताया कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से ही बॉक्सर्स का चयन जापान में होने वाली ओलंपिक खेलों के लिए किया जाएगा। सुंदरनगर से ताल्लुक रखने वाले आशीष को हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है। और अब चलते चलते, कल आएगा प्लस टू का रिजल्ट। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने की पुष्टि। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रोके हिमाचल के 4 कॉलेजों के 28 करोड़। शिक्षा विभाग में हड़कंप। हमीरपुर में फंदे से झूला 15 वर्षीय किशोर, टांडा ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। और स्पेशल टास्क फोर्स ने मंडी के धर्मपुर में दुकान से पकड़ी 79 पेटी अवैध शराब।
हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं सोमदत्त की आवाज में ये हिमाचली पेशकश। तेरी सुनिया दिल डुलाना दिल का साधा होंदा लोभे धुरे नो झूरी है झूठा झूरे नहीं दा तेरी सुनिया दिल डुलाना दिल का साधा होंदा लोभे धुरे नो झूरी है झूठा झूरे बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।